नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार फटाफट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, लीजन ऑफ ऑनर पाने वाले बने पहले भारतीय प्रधानमंत्री। दो दिवसीय दौरे पर फ्रांस पहुंचे हैं पीएम मोदी। यूपीआई पेमेंट मामले में भारत की एक और उपलब्धि, फ्रांस में भी अब भारतीय कर पाएंगे यूपीआई पेमेंट। एक स्कैन और खत्म हो जाएंगे सारे झंझट। श्री अयोध्या धाम में एकादशी पर फूलों से सजे झूले में बैठे भगवान श्री राम। रंग महल में प्रत्येक सावन मेले में होती है यह मनोरम झांकी। श्रद्धालुओं में दिखा रामलला की अनुपम छवि को देखने का उत्साह। श्री राम मंदिर निर्माण के लिए अब तक मिला 5,500 करोड़ रुपए का दान। श्री राम मंदिर निर्माण के साथ ही 4 गुना बढ़ा दान। कृष्ण जन्मभूमि विवाद में संतों की निगरानी कमेटी का हुआ गठन। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास की बैठक में संत महंतों ने कानूनी लड़ाई में हर संभव मदद का दिया भरोसा। दुनिया में बढ़ रही है हिंदी की धमक। अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन में खुल रहे हैं हिंदी पढ़ाने वाले स्कूल। दुनिया के 170 देशों के विश्वविद्यालयों में हो रही है हिंदी की पढ़ाई। हरिद्वार से गंगा जल लेकर चलने वाले कांवड़ यात्रियों के लिए निष्काम सेवा ट्रस्ट की अनोखी पहल। धर्मशाला में निशुल्क रहने खाने के साथ ही की जाती है शिव भक्तों की सेवा। यूपी के नैनी महेवा क्षेत्र में तैयार मूंज के फ्लावर पॉट, नाइट लैम्प जैसे स्थानीय उत्पादों की विदेशों में भारी मांग। 200 महिलाओं के समूह द्वारा तैयार किए जाते हैं मूंज के अलग अलग उत्पाद। बलिया के देवकली की महिला प्रधान अंजलि राय ने गांव को दिया स्वावलंबन का मंत्र। सुविधा युक्त विद्यालय, आरसीसी सड़कें और जलकुंभी से खाद बनाकर गांव को दी नई दिशा। श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ चंद्रयान 3। पीएम मोदी बोले, आज का दिन सुनहरे अक्षरों में रहेगा अंकित। चंद्रयान 3 की सफलता पर दुनिया भर के देशों की नजर। आज के समाचारों में बस इतना ही। हम फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।